तो यार कैसे हो? सब कुछ बढ़िया है ना? आ चुको और एक नए थंबनेल ट्यूटोरियल के साथ। और भाई देखो, ये थंबनेल दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट बिलीव मी, ये थंबनेल बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, लिटरली बहुत ज़्यादा इजी है। एंड लाइक ये मैंने 5 to 10 मिनट्स में बना लिए थे, जब मुझे लाइव स्ट्रीम करने का मन था तभी। सो इसके लिए मैं आप लोग रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्लीज़ इसके ऊपर ट्यूटोरियल लाओ, तो भाई लेके आ चुका हूँ। वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। सो इसके लिए मैंने जितने भी एलिमेंट्स और जितने भी यू नो एप्लीकेशन को यूज़ किया है, उसका सबका डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखो देखो, अगर डाउनलोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो भाई डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक करो, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा गाइड वीडियो का, हाउ टू ओपन माई लिंक करके। सो उसे भी देख लेना अगर डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आता है तो। सो चलते वीडियो की तरफ। तो देखो यार, पहले आपको क्या करना है ना कि मेरा जो पैक है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर देना है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद देखो क्या करना है कि यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये 3 डॉट्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ओपन PLP फाइल करना है, ठीक है। ओपन PLP फाइल करने के बाद आपको ये PLP पे क्लिक करना है एंड उसके बाद एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका डिवाइस में जितने भी फोल्डर्स है वो सारे आ जाएंगे। आपको क्या करना है कि आपने जो मेरा पैक डाउनलोड किया ना, उसका नाम आपको देख लेना है क्या है, वो नाम आपको खोजना है यहाँ पे। लाइक ये है मेरा सॉरी pack.plp। सो आपको ऐसा करके कुछ पैक मिल जाएगा, वो आपको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको ऐसा एक PLP फाइल मिलेगा, ओके। इस PLP फाइल को आपको कर देना है एक बार टैब, ओके। उसके बाद ओपन एंड ऐड पे कर देना है क्लिक एंड उसके बाद जैसे ही एक बार बैक बटन प्रेस करोगे भाई, ये इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। सो गाइस, आप लोगों के लिए मैंने टेक्स्ट पे ग्लो एंड उसके साथ फॉन्ट वगैरह लगा के रखा है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस आपको ये स्टेप फॉलो करना है एंड उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि आपका नेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कट के आपका जो भी नेम है वो दे सकते हो। क्या करना है, यहाँ पे आना है एंड उसके बाद इसे ट्रांसपेरेंट कर देना है एंड उसके बाद इसे सेव कर लेना है, ओके। सेव कर लेने के बाद अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे।